Yesterday I have discussed with you meaning of elections. ठीक है, हाँ जी, यस, यस्टरडे आई हैव डिस्कस विद यू मीनिंग ऑफ इलेक्शंस, फीचर्स ऑफ इलेक्शंस, नीड एंड व्हाट मेक्स आवर कंट्रीज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. ठीक है, और इसमें बच्चे हमने कुछ टॉपिक किए थे जो हमारी कंट्री के कुछ फीचर्स हैं. These features can come in one mark or three marks also. Like question can come. Write the three features of elections. तो आपने कोई भी three features आपने बताने जो democratic features हैं. Once again, I'm telling you the headings of those features. For example, regular elections, universal adult franchise. ठीक है? Then indirect democracy is a feature of our country's election. Single member constituency. ठीक है, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने मर्जी मेंबर्स हो एक ही मेंबर जीतेगा एंड ही और शी शुड विन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स. देन जॉइंट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट का सीधा रिलेशन रिलीजन से है. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में हम किसी को भी वोट करते टाइम हम ये नहीं देखते कि वो किस रिलीजन से है और ना ही हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन है. वी आर फ्री टू यूज आवर वोट, ठीक है, टू एनी कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन एंड रेस और व्हाटएवर कम्युनिटी. देन कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा रिलेशन किससे है, रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपको क्लास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे ही इलेक्शंस के टाइम पर हमें पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर, ख्वाहिश प्लीज कीप क्वाइट बेटा. देन रिजर्वेशन, सम सीट्स आर रिजर्व for SC, ST and OBC candidates so that proper representation should be given to these communities also. Then, इसके बाद है election petition. Election petition का मतलब क्या होता है? Written request. Elections में क्या होता है? अगर कई बार booth capturing या unfair practices का किसी भी तरह से कोई भी evidence किसी के पास पाया जाता है, तो कोई भी person उसकी एक application या एक written request election commission को दे सकता है और उसके बेसिस के ऊपर अगर उसके एविडेंसेस जो हैं वो प्रॉपर 100% फेयर माने जाते हैं तो अगर वो कैंडिडेट जीता होगा तो उसकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है और ऐसे में फिर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वो इलेक्शंस होते हैं उनको कौन सा इलेक्शन बोलेंगे, जनरल, मिड टर्म या बाई टर्म, बाई इलेक्शन. ठीक है. देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री का बेस्ट डेमोक्रेटिक फीचर है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, थ्री. अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर डिपार्टमेंट है दिल्ली में. इसका एक मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड टू अदर मेंबर्स. एंड हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है जिसमें इसकी प्रोविजन है, आर्टिकल 324 एंड दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. But once they are appointed by the president, then they are free to take any decision regarding the elections. So that's why we can say that our election commission is the most powerful election commission of the world. नहीं, ये लोकसभा या राज्यसभा से इनका कोई रिलेशन नहीं होता. That is elected by the president upon the will. ये हम आगे पढ़ेंगे next chapter में कि president अपनी will को कैसे use कर सकते हैं. ठीक है, ताकि प्रेजिडेंट डिक्टेटर ना बने. तुषार एंड जसकरण सिट प्रॉपरली, अदरवाइज बेटा सिट सेपरेटली. ठीक है, इसके बाद है इलेक्शन सिंबल्स. ये भी हमारी कंट्री का एक बेस्ट फीचर है कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में सिंबल्स बेसिकली जो है वो किन के लिए होते हैं बेटा, जो इलिटरेट लोग होते हैं जिनको रीडिंग नहीं आती है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ईवीएम्स में एक तरफ लीडर का नेम होता है, एक तरफ पार्टी का नेम होता है और वो पार्टी के नेम को रिकॉग्नाइज करके वो वोटिंग कर सकते हैं. क्योंकि हमारी कंट्री में मोस्टली बहुत से ऐसे विलेजर्स हैं वो इलिटरेट हैं, उनके लिए ईवीएम्स में सिंबल जो है, ठीक है, उनको इलेक्शन कमीशन जो है सिंबल जो है वो उनको ग्रांट करता है. एंड इलेक्शन सिंबल जो है वो अपनी मर्जी से नहीं होता, कौन इनको रिकॉग्निशन देता है, इलेक्शन कमीशन, ईसी या सीईसी. ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको दो टर्म्स करवाई थी, ईपीआईसी एंड ईवीएम. फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ईपीआईसी, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड. तो ये कुछ टर्म्स हैं हमारी कंट्री में
तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में ना हमारी कंट्री में चाहे कोई पुअर है चाहे रिच है सभी इंटरेस्ट लेते हैं, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, ख्वाहिश से प्रॉपरली हो। आपका नेम बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इट मीन समथिंग इज मिसिंग, ठीक है? तो बेटर है या तो सीट अपनी सेपरेट कर लो या मेरा ध्यान आपकी तरफ बार बार जा रहा है, ठीक है? हाँ जी, अब बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल फरवरी के पंजाब के इलेक्शंस, उससे पहले ही आपको सारा जो भी प्रोसेस है वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये ना प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है? तो आपका ये जो टॉपिक है दैट इज हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, या हम ये भी कह सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। क्या सिस्टम है, कैसे हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, कैसे कि कोई पर्सन एमपी और एमएलए बनता है और उससे पहले उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने सारा इलेक्टोरल मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करते हैं, हमारी कंट्री में इलेक्शंस कैसे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको याद करना है हेडिंग, और हेडिंग के बाद उसको आपने एटलीस्ट टू लाइंस में एक्सप्लेन करना सीखना है कि हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना। नंबर वन, सबसे पहले किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज तभी एक्टिव होती हैं जब इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर दे। जैसे हम कहते हैं ना कि जब आपकी डेट शीट जब आ जाती है ना बच्चे, तभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल डेट्स, ठीक है? तो नंबर वन स्टेप जो है आपने स्टेप बाय स्टेप इसको याद करना है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। अब बच्चे ये अनाउंसमेंट जो है ना इलेक्शन डेट्स की, फॉर एग्जाम्पल हमेशा याद रखो, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा इलेक्शन जो है, ठीक है, वो पूरी कंट्री के लिए अनाउंस होते हैं, और जो अकेली पंजाब है वो सिर्फ पंजाब के अनाउंस होते हैं। जैसे रिसेंटली अब फरवरी में इलेक्शंस होने हैं, तो अभी आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है? नहीं, इसका मतलब क्या है कि अभी आप किसी भी तरह से कैंपेनिंग नहीं देख रहे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स। अब आपने माइंड में क्या रखना है, दैट इन आवर कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन, मेन वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू अनाउंस द डेट्स ऑफ इलेक्शंस, फॉर एग्जांपल लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस, कोई भी दो इलेक्शन एग्जांपल जरूर लिखो साथ में, फॉर एग्जांपल लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इन पंजाब। पंजाब के जो विधानसभा के अभी इलेक्शंस होने हैं फरवरी में, तो अनाउंसमेंट कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स। लाइक अगर हम इसको भी छोड़ो, आपके घर में कोई फंक्शन है, जब आपको पता लगता है कि हाँ जी इस पर्टिकुलर डे मैरिज है, तो आपको जब डेट पता लग जाती है उसके बाद ही आप उसकी शॉपिंग करना शुरू कर देते हो, इट मीन्स आपके घर में उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज या प्लानिंग आप करना शुरू कर देते हो। ऐसे ही कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, अनाउंसमेंट। इलेक्शन कमीशन सबसे पहले अनाउंसमेंट करता है और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है? इसमें फिर आपने बताना है नंबर टू, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरिया, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरिया। इसका मतलब क्या है बेटा, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरिया मींस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 545। लेकिन पंजाब के विधानसभा के इलेक्शंस, जब पंजाब ये पूरी कंट्री को 545 में डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हूँ, बेट, ठीक है? पंजाब, जब सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस होंगे ना, विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, सपोज 113 सीट्स हैं पंजाब की, तो जब पंजाब के इलेक्शंस होंगे तो सिर्फ पंजाब स्टेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 113। तो यहां से हमें मिलेंगे 545 एमपीज और यहां से मिलेंगे 113 एमएलएज। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकंड जो हेडिंग है दैट इज डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरिया। इलेक्टोरल एरिया का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी।
जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो पूरी कंट्री को 545 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी बनेगा तो लोकसभा के लिए कितने एमपी मिल जाएंगे, 545। लेकिन हाँ वो अलग बात है कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 543 प्लस 2 के लिए इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि दीज आर नॉमिनेटेड बाय द रेजिडेंट। तो टोटल कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 543, ठीक है। अब आ जाओ 113। अगर पंजाब के विधानसभा के इलेक्शंस हैं तो होल स्टेट विल बी डिवाइडेड इनटू 113 और पूरे पंजाब में से हमें कितने एमएलए मिलेंगे, 113। सेकंड फंक्शन क्या होगा, डिवीजन, ताकि इलेक्शन कमीशन को पता हो कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना है। उसके बाद जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज किस मेंबर को टिकट देते हैं वो स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड, इसके अलावा पहले हमें तैयार करने हैं वोटर्स भी तो तैयार करने हैं ना। पिछले 5 साल में कई लोग ऐसे होंगे जो 18 वाले नहीं होंगे, लेकिन 5 साल के बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज अब 18 से ज्यादा हो गई है, अब वो क्या बन गए हैं, सिटीजन, तो उनको क्या इशू करना पड़ेगा, वोटर कार्ड। तो इसी तरह से थर्ड मेन स्टेप क्या होता है इलेक्शन कमीशन का, टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट। थर्ड स्टेप टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट। इसमें क्या होता है, सपोज कोई ऐसा पर्सन है, इसमें सर्वे करवाया जाता है या लोगों को ये बता दिया जाता है कि आपके आसपास ये पर्टिकुलर सेंटर है, और अगर आपके फैमिली में सपोज किसी की डेथ हो गई है तो उसका नेम क्या करवाना पड़ता है, कट करवाना पड़ता है ताकि एग्जैक्ट पता लगे इंडिया में कि कितने सिटीजन्स हैं, और जिनकी एज 18 से ज्यादा हो गई है उनको नया वोटर कार्ड अप्लाई करवाना पड़ता है और उसमें आपको प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और ये आपका वोटर कार्ड बनकर जल्दी ही आ जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में सबको ये होता है कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स हमें पता होने चाहिए कि कितने, तो ये वोटर कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है साथ ही ये भी स्टार्ट हो जाता है। वोटर तैयार हो गए, अब साथ ही फोर्थ मेन जो स्टेप है दैट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। बच्चे अभी नॉमिनेशन क्या होती है, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी, सपोज हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हम 3 पार्टीज का एग्जांपल ले लेते हैं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी। तो ये कुछ पार्टीज अपनी अलायंस बनानी शुरू कर देती हैं, कुछ पार्टीज क्या करती हैं अपने अपने लीडर्स, पहले से उनको पता होता है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस पर्सन को टिकट देनी है। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से पता होता है कि ये पर्सन जो है इसकी पॉपुलैरिटी है और ये पर्सन उस पर्टिकुलर एरिया से मैक्सिमम वोट्स जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, और इस तरह से लोग इकट्ठे होकर अपनी जो है वो मेन पॉपुलैरिटी, पहले तो पॉपुलैरिटी वो देखते हैं कि इस पर्सन की पॉपुलैरिटी कितनी है और उसके बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सी मीटिंग्स होती रहती हैं, और टाइम टू टाइम आपने देखा भी है कि मीडिया कवर करता है, और कई बार आपको उस मीटिंग का अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, वो प्रेस को बताते हैं कि हाँ जी ये डिसीजन हमने किए, और इन द मीन टाइम आपको पार्टीज का पता लगता रहता है कि कौन सी पार्टी के कौन से फेमस पर्सन है, पॉपुलरिटी होती है, अभी पॉपुलरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, फर्क क्या पड़ता है कि आपको उस पर्सन का नाम कितना पता है, ठीक है। तो ये डिपेंड, ये हर पार्टी का एजेंडा होता है कि कैसे उन्होंने जो है वो उसकी पॉपुलरिटी करवानी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन पेपर का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर पेपर होगा, उस पेपर पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिस पर्सन को उन्हें टिकट देना है उस पर्सन को नॉमिनेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाना पड़ेगा और सारी डिटेल्स, अपनी बैंक डिटेल्स, अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है, जो भी उनके अकाउंट नंबर है, प्रॉपर्टी डिटेल जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और कोई भी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो सारा नॉमिनेशन पेपर में फिल करवाते हैं। जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, चाहे लैंड है, फिक्स्ड है, व्हाटएवर जो भी है, तो सारा जो है वो नॉमिनेशन पेपर फिल करवाना पड़ता है। इसके बाद नॉमिनेशन पेपर के बाद इलेक्शन कमीशन उनको टाइम देता है कि आप क्या कर सकते हो, विथड्रॉ ऑफ नेम्स। विथड्रॉ ऑफ नेम्स में मैंने आपको उस दिन भी बताया था
कि सपोज किसी पर्सन को ये लगता है कि उसके रिलेटिव उसको कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ जी उसको उसकी जो पब्लिसिटी कर दी कि हाँ जी आप इलेक्शंस में जीत जाओ हम आपको जिता देंगे, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद उस पर्सन को पता लगता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स हैं वो कहीं ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, तो कहीं हार ना जाए, और इस डर से इलेक्शन कमीशन उनको ये भी डेट देते हैं कि आप अपना नेम जो है वो क्या कर सकते हो, विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, वापस नाम, अपना नेम वापस भी ले सकते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी फिर क्या करेगी, किसी और अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब है किसी और पर्सन को टिकट देंगे और उसकी फिर से नॉमिनेशन सारी फिल करवाई जाए, ठीक है। और इन द एंड जब इलेक्शन कमीशन के पास सारे नॉमिनेशन पेपर्स आ जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उनके पास लीडर्स के नेम आ जाते हैं, और फिर पर्टिकुलर सारा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का एक प्रॉपर जो है वो नेम होता है, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी। ये टर्म ध्यान से इसको याद करो, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, आप इसको इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर इन वन मार्क। आई कैन आस्क बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटनी, SCRUTINY। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। केयरफुल एग्जामिनेशन का मतलब कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट, जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाएगा कि क्या उस पर्सन का आधार कार्ड बिल्कुल ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आप सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैम के पास आ गए, कब से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और मैम बार बार आपको चेंजेस करवा रहे हैं कि एक भी वर्ड आपका गलत ना हो, आपके नेम, आपके फादर्स नेम, आपका एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, व्हाटएवर जो भी है, आप उसको केयरफुली क्या करते हो, चेक करते हो। मैम ने भी चेक किया, आपके पेरेंट्स ने भी चेक किया, आप भी चेक करोगे, ठीक है। ऑप्शंस भी चेक करने हैं कि आपका हिंदी है या कंप्यूटर, व्हाटएवर जो भी आपने उसमें लिखा हो, क्या स्टेप हो गया ये, केयरफुल एग्जामिनेशन। सेम इलेक्शन कमीशन भी क्या करता है बच्चा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के नॉमिनेशन पेपर होते हैं उनको क्या किया जाता है, केयरफुली चेक किया जाता है कि वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन इज दिस इज फेक, फेक तो नहीं है, फेक का मतलब क्या होता है, गलत आधार कार्ड तो नहीं दिया, पैन कार्ड नंबर गलत तो नहीं है, अकाउंट नंबर प्रॉपर चेक किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन की जाती है कि कितना लिखा है, कम है या ज्यादा लिखा है, अगर ज्यादा है तो कम लिखा है, तो व्हाटएवर जो भी है, उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज न्यूज़पेपर में एक प्रॉपर लिस्ट आ जाती है, हर पार्टी का नेम और उनका कैंडिडेट। ये क्यों होता है, ताकि कॉमन पब्लिक को पता हो कि किस पार्टी ने किस पर्सन को नॉमिनेशन या टिकट, सिंपल कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, टिकट देना। टिकट देना का मतलब कि इस पार्टी ने इस पर्सन को टिकट दिया है, टिकट का मतलब क्या होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट कर सकती है। दैट इज स्क्रूटनी और केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर। एंड इन द एंड फाइनल लिस्ट इज प्रिपेयर। फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको न्यूज पेपर में पब्लिश करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सब कुछ फाइनल हो गया, वोटर्स भी रेडी हैं और कंटेस्टेंट्स भी रेडी हैं, तो इसके बाद स्टेप कौन सा होगा, कैंपेन। नेक्स्ट क्या होता है, कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का मतलब है पब्लिसिटी। इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री में इलेक्शंस, क्योंकि कैंपेन में ही लोगों को उन लीडर्स के बारे में पता लगता है। ये कैंपेन जो है किस तरह से होता, रैलीज, नंबर वन बिग रैलीज आर ऑर्गेनाइज, बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, और इन रैलीज में ना कंपटीशन होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, फिर बॉलीवुड, हाँ फिल्म स्टार्स को बुलाती है ना, कुछ जो है वो सिंगर्स को इन्वाइट करती हैं। अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या होता है, टू गैदर मोर एंड मोर अटेंशन, पब्लिक ओपिनियन एंड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स, रैलीज। नंबर टू, डोर टू डोर कन्वेंस, डोर टू डोर विजिट। डोर टू डोर विजिट में क्या होता है, लीडर्स जो है वो पर्टिकुलर एक की पॉइंट, डोर टू डोर विजिट में क्या होता है, लीडर्स जो है वो अलग अलग एरियाज में डे वाइज या अकॉर्डिंग टू जो भी उनको कन्वीनियंट होता है जाते हैं, एंड अपनी पार्टी की प्रमोशन की जाती है। थर्ड क्या है, डिबेट ऑन टेलीविजन। डिबेट ऑन टेलीविजन में क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और आपस में डिबेट अरेंज करवाया जाता है, और लोग इस डिबेट, हाँ
लोग इस डिबेट को सुनते हैं और अपनी ओपिनियन, हाँ अपनी ओपिनियन जो है वो बनाई जाती है, और इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लॉयल्टी या कॉन्फिडेंस या पार्टिसिपेशन जो है वो अर्न कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट जो है इसके बाद डोर टू डोर कन्विंसिंग के अलावा पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स, इसके अलावा आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में पोस्टर्स पैम्फलेट्स जिसमें पार्टी का नेम और उनका एजेंडा और मैनिफेस्टो, कैंपेन का ही पार्ट है मैनिफेस्टो, इसी का आप लिखोगे मैनिफेस्टो। क्लियर?